Assalamu alaikum, I am Amna and welcome to KooKingK.com. Today we are making a very delicious, मज़ेदार चटपटे आलू बूटी के कबाब जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं. तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. सबसे पहले मैंने यहाँ पर गोश्त को अदरक लहसुन और नमक डालकर बॉयल करके इसका रेशा कर लिया है. इसके अंदर एक अदद उबला हुआ आलू डालेंगे, एक खाने का चम्मच चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन, एक खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें, आधा कप फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया, एक खाने का चम्मच कुटा हुआ जीरा और धनिया, एक चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च. अगर आप स्पाइसी पसंद नहीं करते तो आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और साथ ही इसमें एक चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे. अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि आलू बोटी और तमाम मसाले आपस में यकजान हो जाएँ और बीफ का भी अच्छा सा रेशा निकल आए. ये कबाब बहुत ही मज़े के बन सकते हैं. आप इसे नाश्ते में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, इवन कि आप इसे अपने बच्चों या हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं. तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसे हाथों में इस तरह से रोल करते हुए इसका चपटा सा कबाब बनाएंगे. आप यहाँ पर जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं. मैं यहाँ पर इसे गोल चपटे जिस तरह से कबाब बनाए जाते हैं मैं इसे वो शेप दे रही हूँ. तो कबाब यहाँ पर एक तैयार हो चुका है, बाकी के तमाम भी सेम मैंने इसी तरह से तैयार किए हैं. तो कबाब को यहाँ पर हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये थोड़े सेट हो जाएं. इसके बाद ऑयल मैंने गरम कर लिया है, एक अदद अंडे को फेंट लिया है. एक कबाब लेंगे, इसे अंडे में अच्छे से डिप करेंगे और इसे ऑयल में डाल देंगे. ऑयल हमने शैलो फ्राई के लिए लेना है, मतलब ज़्यादा डीप फ्राई हम इन कबाब को नहीं करेंगे. एक एक कबाब को इस तरह से अंडे में डिप करेंगे और इसे ऑयल में डालते जाएंगे. आंच को हमने हल्का रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे हमने फ्राई नहीं करना. इसी तरह से तमाम कबाब को डिप करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे. तो यहाँ पर हम इसे दरमियानी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि ये एक साइड से गोल्डन नहीं हो जाते. तो यहाँ पर कबाब हमारे एक तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, इन्हें पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से गोल्डन हो जाए. इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें बीफ भी बॉयल हुआ हुआ है, आलू भी बॉयल हुए हुए हैं. बस हमें इसे अंडे को पकाना है और थोड़े मसाले जो हैं उनकी कचाहट दूर हो जाए. तो इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे. तो यहाँ पर कबाब दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे. तो ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही मज़े के बनते हैं. तो आप इन कबाब को हरी चटनी लाल चटनी दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उन चटनी के साथ इन कबाबों को सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.